हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी का एकलव्य 2.0 में, जहां हम प्रिपरेशन करते हैं CVT, ICAR और आपके अदर स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एग्रीकल्चर सेक्शन में जो है बच्चों, हम लोग डोमेन एग्रीकल्चर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो है हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो है, आज का आपका हॉर्टिकल्चर का जो है छठवां लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट PYQs भी कराया जा रहा है और साथ में उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो थ्योरी नोट्स है, थ्योरी का जो पार्ट है जिससे आपके अधिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सब चीज़ों को भी जो है आपके लिए कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, सभी लोगों को स्वागत है आज के लेक्चर में। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थोड़ी सी विलंब हो गई है, चलिए माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन अब जो है हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारे MCQ या PYQ के जो सीरीज चल रही है, जो श्रृंखला चल रही है, उसमें आपको जो है पर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको जो थ्योरी नोट्स आपके PYQs के साथ जो हम लोग करा रहे हैं, उन थ्योरी नोट्स को भी आपको जो है अलग से अपने हैंड रिटन नोट्स के रूप में तैयार कर लेना है। ये नहीं कि सर यहाँ पे दे दिए हैं, PDF मिल गया है, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है और वहीं से कर लेंगे, तो ये वाली एटीट्यूड नहीं रखना है। ठीक है, उसको अच्छे से अपना रिवाइज करना है, उसको नोट बनाना अपनी, क्योंकि जितनी बार आप अपनी नोट्स बनाते हो, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स के लिए अगर देखा जाए तो आज का अगर डेट देखा जाए तो आज आपका 7 अप्रैल है, अगर मान के चलो, हाँ 7 अप्रैल है, और आपका एग्जाम जो है 21 मई से होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम्स के लिए जो है अराउंड आपके पास 14 दिन उधर और इधर 1 महीना, मतलब आपके पास हार्डली जो है 45 डेज से भी कम एग्जाम्स के लिए बचा हुआ है। ठीक है, तो समझ रहे हो आप कि 45 डेज से भी कम बचा है, और उस समय जो है अगर आप इन सब थ्योरी नोट्स को, इन सब पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी अगर आप अपना मगअप करके और अपना पिकअप करके रख लिए, तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज के सेशन का जो है सबसे पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। आपके पास समय सीमा जो है दे दिया गया है, आपको इसी समय सीमा के अंदर जो है अपने आंसर्स बताने हैं 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो फटाफट बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। व्हिप टेल इन काउलीफ्लावर इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ बोरोन, डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन एंड एक्सेस ऑफ मॉलिब्डेनम या डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। कल आप लोगों को इससे पहले वाली जो लेक्चर थी बच्चों, उसमें हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ, एक बार मैं भी सबको शेयर कर देता हूँ और जोड़ तोड़ से आप लोग भी जो है इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, और कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी का भी चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, अब बी होगा कि सी होगा, अभी जंग जो है जारी है। तो चलिए देख लेते हैं, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर, जिनका डी भी आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब आंसर ABCD सब कुल आ गया है। ठीक है, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। देखिए बी और डी में आपको बता दें बच्चों, ब्राउनिंग जो होता है, एक और टर्म होता है आपको यहाँ पे, ब्राउनिंग इन काउलीफ्लावर। ठीक है, ब्राउनिंग इन काउलीफ्लावर। ठीक, कभी भी आपको सवाल पूछा जाएगा कि ब्राउनिंग इन काउलीफ्लावर किसके कारण होता है, तो काउलीफ्लावर में जो ब्राउनिंग होती है बेटा, ये हमारी जो है बोरोन डेफिशिएंसी के कारण से होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब जब बात हो रही है व्हिप टेल की, तो व्हिप टेल जो होता है बच्चों, व्हिप टेल ऑफ काउलीफ्लावर, ये मुख्य रूप से आपकी मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। किसके कमी से होता है बाबू? व्हिप टेल इन काउलीफ्लावर जो होता है, ये मुख्य रूप से आपके किसके कारण होता है? मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी, यानी कि मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है बाबू? कमी। ठीक है ना, तो कमी के कारण से जो है ये समस्या आपकी आती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सभी को, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया था? हाँ, तो मॉलिब्डेनम की कमी से ही होता है व्हिप टेल, बिल्कुल सही है ना। तो जो बच्चे बोरोन की चुनाव कर रहे थे ना, उनकी कंफ्यूजन कहाँ हुई थी, इस चीज को नोट कर लेना बेटा। जब बात ब्राउनिंग की होगी, बात यहाँ ब्राउनिंग और बोरोन दोनों अलग अलग चीज, बोरोन और ब्राउनिंग की नहीं बात हो रही है, यहाँ बात व्हिप टेल की हो रही है। ठीक है ना, तो डी को, डी फॉर क्या है? ढोलकपुर। ठीक है, डी फॉर ढोलकपुर। चलिए, तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन से पढ़ने से पहले ये देख लो कुछ आपके जो प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है, जिसमें आप देखोगे आपके जो गोभी होते हैं उसकी क्वालिटी जो है आपकी डिग्रेड हो जाती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस। तो ये ब्लाइंडनेस आपकी जो समस्या आती है वो मुख्य रूप से अगर अर्ली स्टेज में, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में, जब आपका पौधा प्रारंभिक अवस्था में है उस समय अगर किसी प्रकार का कीट या फिर किसी प्रकार का इंसेक्ट जो है उसको अगर डिस्टर्ब कर दे रहा है, ठीक है, या फिर निम्न तापमान। आपको पता है कि ये जो कॉलीफ्लावर है या कैबेज है, ये सब हमारे बेसिकली कैसे क्रॉप है बेटा, कूल सीजन क्रॉप है। आपको ये तो पता है कि ये सब हमारे कूल सीजन क्रॉप है। अब भैया कूल सीजन क्रॉप है लेकिन बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता। बंदा गोभी हालांकि भला थोड़ा सा ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है लेकिन फूल गोभी नहीं कर पाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट होता है बटनिंग। बटनिंग हमारा किसके कमी से हो रहा है, आयरन की कमी से, ठीक है। ब्राउनिंग यहाँ पे किसकी कमी से हो रहा है, बोरोन की कमी से। हुईपटेल किसकी कमी से हो रहा है, मॉलिब्डेनम की कमी से। और क्लोरोसिस किसकी कमी से हो रहा है, आपका मैग्नीशियम की कमी से। इसी तरीके से हॉलोनेस। हॉलोनेस का मतलब क्या होता है, आपका वहाँ पे जो है पूरा खोखला रह जाता है, खालीपन रह जाता है ना अंदर तना की तरफ, तो वो जो है आपका एक्सेस नाइट्रोजन के कारण से होता है। जब आप अधिक नाइट्रोजन की मात्रा दे देते हो बेटा तो क्या होता है, आपके जो पौधे की जो वनस्पति का अवस्था होती है उसकी जो समय होता है, ड्यूरेशन ऑफ वेजिटेटिव फेज, वो बढ़ जाता है। तो अगर रिप्रोडक्टिव फेज हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे जो है आपके फ्रूट की डेवलपमेंट या कर्ड की डेवलपमेंट कह लीजिए बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, और इसी रीजन के कारण से जो है आपको यहाँ पे हॉलो स्टीम की समस्या मिलती है ड्यू टू एक्सेस नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब कुल मिला के देखो यहाँ पे चार डेफिशिएंसी पढ़े हो। एक पढ़े हो नाइट्रोजन की कमी से क्या हो रहा है, बटनिंग हो रहा है। मैग्नीशियम की कमी से क्या हो रहा है, क्लोरोसिस हो रहा है। मॉलिब्डेनम की कमी से क्या हो रहा है, हुईपटेल हो रहा है। बोरॉन की कमी से क्या हो रहा है, ब्राउनिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को समझ में आ गया चीजों को, ठीक है। हाँ, सभी लोग जोर तोर से सेशन को लाइक और शेयर तो कर ही देना चाहिए, ठीक है। लाइक बस 11 लाइक है, 24 लाइक है और 48 लोग लाइव देख रहे हैं। बताइए कितना बड़ा नाइंसाफी है ये, तो है ना। तो ये सब चीजें तो खुद कर देनी चाहिए, बोलना ना पड़े, है ना। हुईपटेल हमारा, मॉलिब्डेनम। अभी आगे हम लोग बात करते हैं प्रोपेगेशन। पोटैटो की प्रोपेगेशन जो होती है बच्चों, ये मेनली किसके थ्रू होता है, ठीक है। जैसे पोटैटो से रिलेटेड दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक, हम लोग पोटैटो में कुछ प्रोसेस करते हैं जिसको डीहॉल्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डीहॉल्मिंग कहते हैं, ठीक है। ये आपका हार्वेस्टिंग से बिफोर 10 to 15 days बिफोर हार्वेस्ट किया जाता है। बिफोर हार्वेस्ट 10 to 15 days, 10 से 15 दिन, ठीक है, 10 to 15 days, ठीक। इसी तरीके से आपका एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जिसको हरा रंग कहते हो ना, हरा रंग किसके कारण होता है, तो ग्रीन कलर हरा रंग जो होता है बच्चों, ये सोलानिन के कारण से हो जाता है, ठीक है ना। सोलानिन के कारण से जो है आपका ये ग्रीन कलरेशन पिगमेंट आता है। नेक्स्ट जो है आपका रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, है ना। और कौन सा स्टार्च, तो जिसका नाम है हमारा फरीना। फरीना स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का नाम है जो आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी कहा जाता है, है ना। किंग ऑफ वेजिटेबल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसके अलग अलग उपनाम क्या दिए गए हैं। अब फटाफट आप लोग बताओ कि इसकी जो है एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। बिल्कुल सर, क्यूट के एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। क्यूट नहीं बाबू, CUET एग्जाम होता है अनुज पटेल, ठीक है। तो CUET के एग्जाम में बाबू कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, वहाँ पे लैंग्वेज में ही 30 लैंग्वेज आ रहे हैं, 33 लैंग्वेज आ रहे हैं। डोमेन में आपको बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, तो आप किस चीज़ के लिए एग्जाम भरे हो वो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। आदित्य पटेल, ऑलरेडी एग्जाम आपने फॉर्म भरा होगा ना बाबू, तो जो सब्जेक्ट के आपने चुनाव किया होगा वही सब्जेक्ट आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और किस कोर्स के लिए आप पूछ रहे हो, आपने कोर्स भी नहीं मेंशन किया है तो इस वजह से कुछ बता पाना मुश्किल है, ठीक है। अगर आप कोर्स मेंशन करिए किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किए तब बता पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आपका पोटैटो से रिलेटेड हो गया। पोटैटो में आपका सोलानम ट्यूबरोसम है ना, नाम इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, सोलानम ट्यूबरोसम, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है पोटैटो में, कि पोटैटो आपका कैसा है, तो फैमिली इसकी सोलानेसी है। फैमिली इसका क्या हो जाएगा, सोलानेसी हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको तो ध्यान देना ही है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसकी प्रोपेगेशन कैसे होती है, तो यहाँ पर प्रोपेगेशन जो होता है बच्चों आंसर हो जाएगा ट्यूबर। और ट्यूबर जो है वो है क्या, तो ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड सूट।
मॉडिफाइड सूट रूपांतरित तना है ये, मॉडिफाइड सूट यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित तना कहते हैं, रूपांतरित तना है ये, है ना। तो रूपांतरित तना, इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि ट्यूबर्स कैसे हैं बच्चों, ये ट्यूबर्स आर द मॉडिफाइड सूट, यानी कि ये सब बेसिकली हमारे रूपांतरित तना है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। हाँ ट्यूबर खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई उसका टाइपिंग मिस्टेक था, वो बस मैं ऐसे थोड़ा मजा लेने के लिए बोल दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए ये नहीं कि तुम लोग उसी बात पे लेके डिस्कशन करने लगो। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज एप्पल, बनाना, मैंगो और गुआवा, ठीक है। फटाफट बताइए इसमें आंसर क्या होगा। एप्पल फ्रूट, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया क्या होगा, यहाँ पे राष्ट्रीय फल भारत के लिए क्या होगा, एप्पल, बनाना, मैंगो, गुआवा। सही आंसर फटाफट कमेंट करके बताओ कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं, यानी कि मैंगो, बिल्कुल है ना। मैंगो को जो है हम लोग नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मैंगो को एक साथ में बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है ना, बाथरूम फ्रूट भी इसको कहा जाता है ना, साथ में इसको किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है, किंग ऑफ फ्रूट भी कहते हो। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किंग ऑफ फ्रूट भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, समय सीमा शुरू हो चुका है, आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया इन इंडिया इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया, पपाया के सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक कौन सा देश होगा, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया। क्या होगा इसमें आंसर फटाफट बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया, पपीता का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है, कौन सा स्टेट में होता है, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए पपीता का सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादन कहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी यूपी। चलिए मैंगो इज कॉमर्शियली प्रोपैगेटेड थ्रू, मैंगो में जो है आपकी प्रोपैगेशन किसके माध्यम से होती है, इनआर्किंग, कटिंग, लेयरिंग और वेनियर ग्राफ्टिंग। आपके अलग अलग पौधों में जो है मोड ऑफ प्रोपैगेशन, जो आपका प्रसारण का विधि होता है, जिस मेथड से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह करते हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा, कौन सा मेथड जो है आपका यूज होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। ये तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है भैया कि कहां पर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बच्चों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मैंगो इज कॉमर्शियली प्रोपैगेटेड थ्रू, किसके माध्यम से जो है मैंगो में प्रोपैगेशन किया जाता है, ठीक है, इस चीज को आप लोग फटाफट आंसर बताइए, इसमें आंसर क्या होगा। इसमें आंसर हो जाएगा आपका विनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो आपके अलग अलग पपाया में कैसे होगा, तो पपाया में भैया जो प्रोपैगेशन होता है वो आपका सीड्स के माध्यम से होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर सिट्रस में देखोगे तो, सिट्रस में देखोगे तो स्वीट लाइम जो होता है, स्वीट लाइम में आपका मुख्य रूप से जो हम लोग किससे यूज करते हैं, सीड्स से करते हैं, जिसको कागजी लाइम भी कहा जाता है, कागजी एसिड लाइम भी इसको कहते हो, है ना। एसिड लाइम में जो है हम लोग क्या करते हैं, एसिड लाइम कह लीजिए, या फिर इसमें हम लोग सीड से करते हैं। और नॉर्मल जो मैंडेरिन वगैरह में देखोगे तो बडिंग, मैंडेरिन वगैरह में जो है आपका बडिंग, पैच बडिंग या टी बडिंग से करते हैं, पैच बडिंग या फिर टी बडिंग से करते हैं, ठीक, पैच बडिंग और टी बडिंग। तो ये सब हमारे अलग अलग मेथड्स जो है यूज होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से लीची में कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो लीची में हम लोग जो है लेयरिंग या फिर गुटी फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, लेयरिंग और गुटी फॉर्मेशन, ठीक है ना, गुटी फॉर्मेशन यानी कि गुटी निर्माण से जो है हम लोग कर लेते हैं, गुटी फॉर्मेशन मतलब गुटी निर्माण का
प्रक्रिया जो होता है गुटी निर्माण से हम लोग करते हैं। इसी तरीके से आपके अलग अलग जो पौधे हैं उन सभी में जो है मोड ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगा वो चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे क्या हो गया, वेनियर ग्राफ्टिंग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2020 द वॉल्यूम ऑफ पपाया प्रोडक्शन इन इंडिया अमाउंटेड टू ओवर 6 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है, और प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड इन आंध्र प्रदेश फॉलोड बाय गुजरात एंड कर्नाटका, द साउथ एशियन कंट्रीज वेयर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पपाया इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे पपाया में सबसे ज्यादा लीड प्रोड्यूसर पे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है पपाया लगाया जाता है, और पपाया के अंदर क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ पेपिन, है ना, रिच सोर्स ऑफ पेपिन, वहाँ पे पेपिन जो है हमारा पाया जाता है। और ये पेपिन में जो है बाबू आपका प्रोटीन कितना होता है, तो 72.4% प्रोटीन जो है बेटा वो आपका पेपिन में पाया जाता है, ठीक है ना। तो 72.4% जो है आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। अगला पॉइंट आपका क्या है कि जापानीज व्हाइट इज अ वेराइटी ऑफ, ठीक है, जापानीज व्हाइट जो है हमारी किसकी वेराइटी है। इनमें से आपके पास ऑप्शन है टोमेटो, ओकरा, रेडिश और ब्रिंजल। जापानीज व्हाइट जो है आपकी किसकी वेराइटी है, कौन से चीज की जो है आपका यहाँ पे हाँ आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अभी वही ऊपर मैंने करेक्शन करवाया आप लोगों का, फटाफट बताइए जापानीज व्हाइट इज अ वैरायटी ऑफ क्या होगा, टोमेटो, ओकरा, रेडिश और ब्रिंजल। जापानीज व्हाइट किसकी वैरायटी है, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर सी रेडिश, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो बेटा। आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, मूली की वैरायटी है हमारी रेडिश। हमारा क्या होता है तो रेडिश का बोटेनिकल नेम अगर देखोगे तो रेफेनस सेटाइवस, है ना। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्या खाया जाता है, तो रूट इज इडिबल पार्ट, है ना, इडिबल पार्ट। इसमें एक और प्रोसेस करते हैं हम लोग, स्टैकलिंग प्रोसेस जो है किस फसल से संबंधित है, कभी क्वेश्चन पूछा दिया, तो रूट्स यूज्ड फॉर सीड प्रोडक्शन। अगर हम लोग रूट्स को सीड प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, बीज निर्माण के लिए अगर हम लोग जड़ का प्रयोग कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्टैकलिंग कहते हैं। तो स्टैकलिंग जो है हम लोग किस फसल से संबंधित है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टैकलिंग हमारा किस फसल से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको जब भी पूछा जाएगा, तो स्टैकलिंग हमारा जो है रूट्स को अगर हम लोग बीज उत्पादन के लिए यूज करते हैं तो उसी को हम लोग प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, स्टैकलिंग कहते हैं। और स्टैकलिंग ही हमारा मूली में बीज निर्माण का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, आपके पास ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है और बहुत पुराना, बहुत फेवरेट, बहुत पूछे जाने वाला सवाल है कि इसमें से कौन सा हमारा जो है ये इसमें होगा। हाँ, फॉर्किंग भी रेडिश में भी होता है, मूली में भी, गाजर में भी होता है, ठीक है। फॉर्किंग जो है आपके नॉर्मली गाजर में भी होता है और रेडिश में भी होता है, ठीक है, ये रूट क्रॉप्स में होता है। अब फॉर्किंग कैसे होता है, फॉर्किंग का मतलब देखिए, जैसे कि आप जानते हो कि एक तरह इस तरीके से मूली ना निकल के आपका इस तरीके का अलग अलग आकार की आपकी मूली जो है बन जाएगी, तो इस तरह का जो अवस्था होता है ना उसी को हम लोग फॉर्किंग कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्किंग हमारा किस फसल से संबंधित है, तो वो भी हमारा मूली गाजर से संबंधित है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी लोग, ठीक है। आंवला हमारा ज़्यादा परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है बारबाडोस चेरी, फिर आंवला, फिर इस तरीके से। अब वेराइटीज़ में अगर बात करोगे तो हिली एरियाज के लिए व्हाइट इसल, स्कारलेट ग्लोब, रैपिड, है ना, जापानीज व्हाइट, देखिए रेडिश की वैरायटीज है, वैरायटी ऑफ रेडिश हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब उसके बाद जो है जापानीज व्हाइट यहीं पे आपकी वैरायटीज थी जो आपको ध्यान देना है। अर्का निशांत, ये भी वैरायटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेफेनस सेटाइवस ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, क्रोमोजोम 18 होता है, यूरोप उत्पत्ति स्थान है, तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण से होता है मूली में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपके मूली के बारे में इंपॉर्टेंट थे जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला हम लोग बात करते हैं सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज, ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, कौन सा वैरायटी हमारे आम की बीज रहित किस्म है, जिसमें बीज नहीं होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, फटाफट बताइए इसमें आंसर क्या होगा, सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे अल्फांसो, अर्का अनमोल, नीलम और सिंधु,
फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी लोग लगभग ऑप्शन नंबर डी पहले ही बता चुके हैं। सिंधु जो है हमारी कैसी वेराइटी है बाबू? सिंधु हमारा जो है सीडलेस वेराइटी है, सीडलेस वेराइटी है, यानी कि बीज रहित किस्म है, सीडलेस वेराइटी है। लेकिन किसके क्रॉस से बनाई गई थी? तो रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनाया गया था, रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये जो आपका सिंधु वेराइटी है, रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनाया गया सीडलेस वेराइटी है, यानी कि बीज रहित किस्म है। कैसा बीज रहित किस्म है? यहाँ पर जो है आपकी बीज रहित किस्म होता है ये, ठीक है। तो बीज रहित किस्म है, इस चीज़ को आपको नोट करना होगा। अगला बात करते हैं, जेली इज कैसा होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जेली हमारा किस नेचर का पौधा है, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया। पौधा बोल रहे हैं। जेली हमारा कैसा सब्सटेंस है? सेमी ट्रांसपेरेंट, अर्ध पारदर्शी, ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा जेली के बारे में। ऑप्शन नंबर बी नॉन ट्रांसपेरेंट बता रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ शुभम ऑप्शन नंबर ए, चलो संकल्प मिश्रा ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ठीक है। चांदनी कुमारी ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेरेंट, अवंतिका ए, संगम रॉक सी बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपका जेली होता है, जेली के बारे में दो तीन चीजें आप नोट कर लो। जैसे जेली हमारा कैसा सब्सटेंस है? सेमी ट्रांसपेरेंट है बाबू, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये हमारा सेमी सॉलिड भी है। उसके बाद जो है जेली आपको बनाने के लिए पेक्टिन इज नेसेसरी। बिना पेक्टिन का जो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, इसका जेली नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। वो भी पेक्टिन कितना, तो 0.5% जो है देना जरूरी होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गुआवा जो है जेली के लिए बेस्ट होता है, गुआवा इज बेस्ट फॉर जेली। अब क्यों जेली के लिए ये बेस्ट होता है? क्योंकि सर इसमें आपने बताया कि जेली के लिए पेक्टिन जरूरी होती है, और जब भाई बाबू जेली के लिए पेक्टिन जरूरी होता है तो वहाँ पर आपका जो है यहाँ पे गुआभा में पेक्टिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसलिए गुआभा का प्रयोग करके जो है हम लोग जेली बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जेली हमारा क्या है? सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी सॉलिड, पेक्टिन जरूरी होता है 0.5% तक, है ना, और उसके बाद गुआभा इज बेस्ट फॉर द जेली प्रिपरेशन। तो इस तरीके से आपके पूरा जो है ये सब पॉइंट्स को इम्पॉर्टेंट लगना पड़ेगा। और इसको हाँ, जेली सेमी ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल, है ना। तो पेक्टिन हमारा 0.5%। अवंतिका कुमारी ने कुछ बताया है क्या? अंगूर के कलियों को निष्क्रियता को तोड़ने में सबसे, देखो अंगूर के कलियों में जो है अगर हम देखेंगे निष्क्रियता तोड़ने के लिए, तो जिब्रेलिक एसिड का हम लोग यूज कर सकते हैं ना। जिब्रेलिक एसिड जो है जिब्रेलिन GA3 के नाम से आता है, उसका हम लोग सुसुप्तता तोड़ने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है एज अ डोरमेंसी ब्रेकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ गुआवा इज बेस्ट फॉर जेली मेकिंग। चलिए ये सारा पॉइंट्स हो चुका है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले समझ लो कि जाम आर क्रॉप मेड फ्रॉम क्रस्ट फूड एंड फ्रूट रिजल्टिंग इन थिकर स्प्रेड दैट होल्ड्स द शेप बट इज लेस फॉर्म देन द जेलीज। जेलीज इज नॉट अनलाइक जेली, जाम इज नॉट क्लियर एंड यू मे फाइंड फ्रूट चंक्स और डिस्पर्स पार्टिकल्स थ्रू इट जाम में, ठीक है ना। जेली में अगर हम लोग बात करेंगे तो उस तरह का नहीं होता, उसमें पार्टिकल्स थोड़ी सी फाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैमिली ऑफ मैंगो, ठीक है। आम का फैमिली कौन सा होगा? ये भी बहुत हलवा क्वेश्चन है, तो इसलिए इस पर समय व्यस्त नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, फटाफट बताओ। द बीटर टेस्ट ऑफ ब्रिंजल फ्रूट इज ड्यू टू, ब्रिंजल जिसको हम लोग बैगन कहते हैं, बैगन में आपका कड़वा टेस्ट जो होता है, जो कड़वाहट आती है, वो किसके कारण से आता है, ठीक है। फटाफट बताइए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। बिटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट इज ड्यू टू, ब्रिंजल जो बैगन हम लोग कहते हैं उसमें जो तीतापन या तीता टेस्ट जो होता है, उसका स्वाद आपका कड़वा होता है, वो किसके कारण से होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन जो दिया हुआ है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, इसके कारण से तो भैया ओनियन में होता है ना। तो चलो पहले आप लोग आंसर बताइए फटाफट, फिर हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। हरपुल सिंह ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सौरभ राज ए बता रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे अश्वस्थामा जी बी बता रहे हैं, विकास पांडे बी बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो आंसर बता से ये नहीं कि ए फॉर एप्पल याद आ रहा है तो ए बता दिए, बी फॉर
बॉल याद आ रहा है, बी बताने वाले, थोड़ा सा ध्यान दो भैया, क्या बता रहे हो, कहाँ ब्लंडर कर रहे हो। काजल पासवान ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ठीक है। देखो बाबू, बी जो होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये तो प्याज में होता है बेटा। लाइकोपिन हमारा कहाँ पर होता है, टोमेटो में होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैरोटिनोइड्स, तो भैया गाजर वाजर में होता है, ये सब तो है ही, कैरोट में ये सब में होता है। अब बात यहाँ पे हो गई ग्लाइकोअल्कलॉइड्स, तो ये हमारा जो है मुख्य रूप से आपका बैगन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, क्वेश्चन है रोज इज कॉमर्शियली प्रोपैगेटेड बाई, रोज जो है व्यापारिक रूप से कैसे प्रसारण किया जाता है। आपके पास टी बर्डिंग, सीड, चिप बर्डिंग और रिंग बर्डिंग करके आपके पास अलग अलग चार अलग अलग विधियां दिया गया है। इन चारों विधियों में से जो गुलाब का प्रसारण होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, या कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो मुख्य रूप से हमारी रोज में कॉमर्शियल प्रोपैगेशन के लिए यूज होता है। आपके पास ऑप्शन है टी बर्डिंग, सीड, चिप बर्डिंग और रिंग बर्डिंग, क्या हमारा जो है मुख्य रूप से प्रयोग में आता है यहाँ पे रोज कॉमर्शियली प्रोपैगेटेड करने के लिए या फिर प्रिपेयर करने के लिए व्यापारिक रूप से। कैंसर क्या हो जाएगा, टी बर्डिंग, बहुत शानदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नो इज अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ, किन्नो जो है किसकी हाइब्रिड वेराइटी है, ठीक है। आप जानते हो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया है लाइम, ऑरेंज, मैंडेरिन और लेमन। देखो सिट्रस जो होते हैं ना, सिट्रस के बारे में दो तीन चीज आपको जानना पड़ेगा। सिट्रस एक तो क्या होता है, पॉलीएम्ब्रोनिक होता है, किस नेचर का होता है, पॉलीएम्ब्रोनिक नेचर का होता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, सिट्रस की फैमिली क्या होती है बेटा, सिट्रस की फैमिली रूटेसी होती है, रूटेसी होती है, सी ए, है ना। अब सिट्रस में जो है आपका, सिट्रस तीन तरह के होते हैं ना, ठीक ना। तो अब इसमें आपको बताना होगा कि सिट्रस में कौन सा सिट्रस होगा, ठीक है। क्रैश कोर्स कब आएगा कंचन चौबे जी, क्रैश कोर्स जल्दी आएगा बच्चों, ठीक है, जल्दी ही आप लोग को जो है शुरू किया जाएगा, घबराइए मत, ठीक। अब एग्जाम से जैसे कुछ दिन पहले आपको मास्टर रिवीजन की चाहिए ना, मास्टर रिवीजन की आएगा आपके लिए क्रैश कोर्स के रूप में, ठीक है। लेकिन कुछ दिन अभी एक दो दिन सब्र और कर लीजिए, ठीक। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी लोग, ठीक है। हाँ, मैंडेरिन जो होता है बच्चों, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस रेटिकुलाटा, है ना। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सिट्रस रेटिकुलाटा, ठीक है, ठीक है। उसका एक होता है आपका सिट्रस साइनेंसिस और एक होता है बच्चों सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। तो इस तरीके से आपके तीन अलग अलग प्रकार के सिट्रस होते हैं, सिट्रस रेटिकुलाटा, साइनेंसिस और आपका ऑरेंटिफोलिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब बात हो रही है किन्नो, तो किन्नो तो हमारा हाइब्रिड है किंग लीफ और विलो लीफ मैंडेरिन, और किंग लीफ मैंडेरिन का क्रॉस करके जो है ये हमारा बनाया गया मैंडेरिन का किस्म है, ये एक तरह का सिट्रस है, ठीक है ना। उसके बाद जो है किन्नो किसकी संकर किस्म है, तो ये हमारा जो है मैंडेरिन की संकर किस्म है। नेक्स्ट है गुलाब में आपका, तो टी बर्डिंग से करते हैं और ये ग्लाइकोलेट के कारण से होता है। चले अब अगला हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सिट्रस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कि सिट्रस आपका क्या है। सिट्रस रेटिकुलाटा मैंडेरिन को कहते हैं, मोस्ट कॉमन सिट्रस जो भारत में उगाया जाता है, और ये जल भराव के प्रति संवेदनशील भी होती है। और यहाँ पर दूरी बच्चों कितना, तो 6x6 मीटर का हम लोग दूरी फॉलो करते हैं। जैसे एक पौधा से पौधे की दूरी जो r×p की हम लोग बात करते हैं ना, तो ये 6x6 मीटर की होती है, 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लांटिंग फॉलो होती है। कौन सी प्लांटिंग फॉलो होती है, स्क्वायर प्लांटिंग फॉलो होती है, ठीक है, स्क्वायर प्लांटिंग हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी क्रॉस से, तो देखो विलो लीफ मैंडेरिन और किंग स्वीट के क्रॉस से बनाया गया था किन्नो, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है, नहीं नहीं संडे को मैराथन नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर रहे थे किन्नो का, किन्नो का क्या होगा, किंग स्वीट और विलो लीफ मैंडेरिन, ये हमारा किन्नो का वेराइटी है, जो कि डेवलप किसने किया था, एच बी फ्रॉस्ट ने यूएसए में डिस्कवर इसको किया था। तो किन्नो हमारी क्या है, हाइब्रिड है, किसकी हाइब्रिड है, मैंडेरिन की हाइब्रिड है। किसके क्रॉस से बने थे, तो एच बी फ्रॉस्ट ने बनाए थे यूएसए में विलो लीफ किंग स्वीट और विलो लीफ मैंडेरिन के क्रॉस से जो है कराए थे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं अब मंडे को संडे को मैराथन नहीं होगा, मैराथन बहुत बाद में होगा, ठीक है, क्योंकि उस दिन आप लोगों को जब शुरू किया गया था आधे से ज़्यादा लड़के गायब हो गए थे, ठीक है। तो जब भाई जिसके लिए करो और वही सीरियस ना रहे तो क्या मतलब मजाक करने में, ठीक है ना। मस्ट अप्रोप्रिएट फ्रूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेली, ये क्वेश्चन अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया था,
कि जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त आपका क्या होता है, क्या चीज जो है चाहिए होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेली, जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयुक्त आपका जो है फल वो कौन सा होगा, ठीक है। ग्रेप्स, पपाया, ग्वावा और मैंगो, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा, ठीक है। अब बताओ क्यों नहीं सर, नहीं होगा मतलब बोल दिया नहीं होगा, अब इसमें क्यों नहीं सर, ये नहीं सर, ऐसा नहीं सर, इतना पंचायत थोड़ी ना करना है, बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं भाई, बाकी भी सब्जेक्ट्स के मैराथन होने हैं कि रोज एग्रीकल्चर का ही मैराथन होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेली क्या होगा, ग्रेप्स, ग्वावा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ग्वावा, क्यों, क्योंकि हाइयर पेक्टिन कंटेंट होता है इसमें, है ना, हाइयर पेक्टिन कंटेंट होता है, हाइयर पेक्टिन कंटेंट, पेक्टिन कंटेंट होती है, ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। अगला हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइकोपर्सिकम इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ, ठीक है, देखो बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोटेनिकल नेम किसका है, लाइकोपर्सिकम इसका इज अ आपका बोटेनिकल नेम ऑफ किसका होगा, पोटैटो का क्या होता है, सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम, है ना, ट्यूबरोसम। इसी तरीके से आपका ओनियन का क्या होता है भैया, एलियम सेपा, एलियम सेपा, है ना। आंवला का क्या होता है, इम्बलिका ऑफिसिनेलिस, इम्बलिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपका बच गया टमाटर, टमाटर का क्या होगा, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम, ठीक है ना, तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम जो है ये टमाटर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, ऑलरेडी है, वेजिटेबल फार्मिंग इज ऑल्सो नॉन एज, सब्जी खेती को और क्या कहा जाता है, ठीक है, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी मतलब फ्रूट फार्मिंग, फ्रूट स्टडी, है ना। उसके बाद जब बात हो रही है फ्लोरिकल्चर का, तो फ्लोरिकल्चर तो फ्लावर से रिलेटेड हो गया, फ्लावर फार्मिंग, है ना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर तो सब कुछ का फार्मिंग, तो ओलेरिकल्चर जो है वो हमारा मुख्य रूप से आपके वेजिटेबल फार्मिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। चलो हाँ, बी को लॉक कर दिया हमने, बिल्कुल सही। ब्लांचिंग इज नेसेसरी प्रोसेस इन, ये भी क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया था, 20 में, 19 की 20 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ब्लांचिंग इज नेसेसरी प्रोसेस इन, ब्लांचिंग प्रोसेस हम लोग किस में करते हैं, मैंगो, मेज, काउलीफ्लावर और फ्रेंच बीन, किस में जो है आपका ब्लांचिंग प्रोसेस मुख्य रूप से किया जाता है, ब्लांचिंग प्रक्रिया जो है किसमें होती है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा आपका, ब्लांचिंग प्रक्रिया जो है किसके कारण से होता है, किसमें एक नेसेसरी प्रोसेस है, आपके पास ऑप्शन है मैंगो, मेज, काउलीफ्लावर, फ्रेंच बीन। तो ब्लांचिंग जो होता है बच्चों ये मुख्य रूप से आपका काउलीफ्लावर में करते हैं, उसकी जो पेरोक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, पेरोक्सीडेज, ये सब जो एंजाइम्स रहते हैं उसके एक्टिव होने के कारण से क्या होता है, उसमें आपका कलर उसकी बदल जाती है, सफ़ेद रंग से वो हल्का पीला रंग का हो जाता है, तो उसकी यही कलर चेंज को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके कर्ड को जो है पत्तियों से ढक देते हैं, और यही जो कर्ड को हम पत्तियों से ढकते हैं ना, उसी प्रोसेस को बेटा ब्लांचिंग कहा जाता है। और दो हमारे वेराइटी हैं जो सेल्फ ब्लांच्ड वेराइटी है काउलीफ्लावर के, सेल्फ ब्लांच्ड वेराइटी ऑफ काउलीफ्लावर, सेल्फ ब्लांच्ड वेराइटी ऑफ काउलीफ्लावर, देखो तो ये दो वेराइटीज जो है ना आपके काउलीफ्लावर के, इनमें आपको ब्लांचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो दो सेल्फ ब्लांच्ड वेराइटी क्या क्या है, तो एक है आपका पूसा शीतल, ठीक है ना, तो ये आपका जो है नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूसा शीतल है ना, और यहाँ पे एक स्नोबॉल है, पूसा स्नोबॉल, तो ये दो जो वेराइटीज है नाम से ही आपको स्नोबॉल ठंडी है ना, उसके बाद नाम से ही आपको यहाँ पे अलग अलग दिखने को मिल रहा है ना, तो ये पूसा स्नोबॉल और आपका ये जो दो वेराइटीज है ये दो आपके मुख्य रूप से यहाँ पे सेल्फ ब्लांच्ड वेराइटी है, ठीक है ना। तो पूसा शीतल और आपका ये दो वेराइटीज जो है ये आपके ऑलरेडी पहले से ही क्या है, तो ये सब ऐसी है जो वेराइटी पहले से ही आपके इनमें ब्लांचिंग कर दी गई है, इनमें जीन जो है आपको अलग से इसको ढकने वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो पूसा शीतल और पूसा स्नोबॉल जो है ये दो वेराइटीज ऐसे हैं जिनमें आपकी ब्लांचिंग पहले से हो रखी है, ठीक है। चलिए अब अगला बात करते हैं ब्लांचिंग के बाद, आम्रपाली कल्टीवर इज द हाइब्रिड ऑफ, है ना, आम्रपाली जो है आपको पता है कि आम्रपाली कैसी नेचर की वेराइटी है, ये हमारा ड्वार्फ वेराइटी है, बॉनी किस्म है, जो मुख्य रूप से आपके हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त तो होता है, ठीक है ना। अब फटाफट बताओ यहाँ पे क्या होगा,
आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। दुनिया भर का पंचायत और फालतू का बात करने के लिए आप लोग के पास कमेंट बाजी करने का समय है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? डीएनए, अम्रपाली कल्टीवर इज द क्रॉस ऑफ। किसी को ए के अलावा कुछ और भी लग रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो दशहरी और नीलम, जो डीएनए आप लोग पढ़ते हो, दशहरी और नीलम के क्रॉस से ही जो है ये बना जाता है, ठीक है। रत्ना और आपका ये इससे अल्फांसो के क्रॉस से क्या बना है? सिंधु बना है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे आगे बात करते हैं नीलम और दशहरी के। दशहरी और नीलम से तो अम्रपाली बन गया, अब नीलम और दशहरी से क्या बनता है? मल्लिका बनता है ना, मल्लिका बनता है। नीलम और अल्फांसो से क्या बनेगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है ओरिजिन प्लेस ऑफ लीची। लीची का जो है आपका क्या होता है उत्पत्ति स्थान? आपको पता है लीची का बोटेनिकल नेम क्या है? लीची साइनेंसिस, लीची साइनेंसिस। तो लीची साइनेंसिस जो है आपका, इसका बोटेनिकल नेम हो गया, वनस्पतिक नाम हो गया। इसका जो है आपको एनआरसी कहाँ पर है? तो एनआरसी आपका मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में है। तीसरा आपको जो है शाही लीची को जीआई टैग मिला है, शाही लीची गॉट जीआई टैग, गॉट जीआई टैग, जीआई टैग। और जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे हम लोग किसी भी तरह की कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए जो चीज़ के लिए फेमस है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर आप सभी जानते हैं किस चीज़ के लिए फेमस है? लीची के लिए फेमस है। तो एनआरसी लीची हमारा वहाँ पर साइनेंसिस नाम में लगा है, तो उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? चाइना ही हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही, ठीक। अब जो है अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट इज नोन एज फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया? कौन से राज्य को जो है फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया यानी कि फल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को हम लोग जो है फल का कटोरा कहते हैं? फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए कि किस, कौन सी स्टेट को जो है, विच स्टेट इज नोन एज फ्रूट बाउल इन इंडिया? कौन से राज्य को हम लोग फ्रूट बाउल कहते हैं इंडिया में? कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। विच स्टेट इज नोन एज फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, फल का कटोरा जो है किस राज्य को कहते हो, ठीक है। ऑप्शन है आपका डी, बता रहे हैं सभी लोग, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश को हम लोग जो है फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके फलों के जो है अच्छी उत्पादन होती है, इसीलिए इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कॉमर्शियल प्रोपैगेशन ऑफ पपाया इज ड्यू टू। पपाया में प्रोपैगेशन किसके माध्यम से होता है? अभी ऊपर ही नोट कराया हूँ मैं, है ना, किसके माध्यम से होता है? सीड, रूट, बडिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी बात पपीता की होगी, तो पपीता में आपका प्रोपैगेशन के लिए जो हम लोग बच्चों बीज का यूज करते हैं, यानी कि सीड इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोपैगेशन, एज अ मेथड ऑफ प्रोपैगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आपको कि कुफरी चिप्सोना, कुफरी चिप्सोना से रिलेटेड, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, सभी आ रही है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। अगला आपका क्या पूछा गया है? कुफरी चिप्सोना वन इज द पॉपुलर वेराइटी ऑफ ओनियन, ब्रिंजल, पोटैटो और टोमेटो। कुफरी चिप्सोना जो है यह किसकी हमारी प्रसिद्ध वेराइटी है? कौन सी क्रॉप की आपकी अच्छी वेराइटी है? ओनियन, ब्रिंजल, पोटैटो और ये, तो देखो दो वर्ड आपका कहीं पे कुफरी लगेगा तो वो आलू की वेराइटी होगी, ठीक है। और एनआरसी आलू आपकी जो है कुफरी जगह पे वहीं पर स्थित है, शिमला में, है ना। तो इसीलिए आपको जो है कुफरी शब्द कहीं भी लगेगा तो आपको क्या समझना है कि दीज आर गोइंग टू बी द वेराइटीज ऑफ, किसकी? आलू की वेराइटी होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। और चिप्सोना लग गया तो ये चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त होगी, नॉर्मल कुफरी लगा रहता तो नॉर्मल वेराइटी होती। नेक्स्ट अब बात करेंगे बोटेनिकली पाइन एप्पल इज, बोटेनिकली पाइन एप्पल जो है उसका फ्रूट का टाइप क्या होता है? बोटेनिकली इस तरह के सभी सवाल पूछे जाते हैं ना, तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पर पूछा गया है कि वेराइटी को बोटेनिकली हम लोग उस फसल के फ्रूट के टाइप को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके ऑप्शन में है पोम, बलोस्टा, है ना, बेलोस्टा, ठीक है, बेरी और सोरोसिस। फटाफट इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या होगा। पाइन एप्पल नाशपाती का जो है फल का प्रकार क्या होगा? बिल्कुल कुफरी जहां भी शब्द लगेगा ना, तो उसमें आपको समझना है कि वो पोटैटो की किस्म है।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर था बेटा, डी है ना, पोटैटो। अब आप देखोगे बेरी कहाँ पाया जाता था, पोटैटो, टोमेटो है ना, ये सब में आपका है ना। नेक्स्ट बलोस्टा जो है आपका कहाँ पाया जाता था, पोमोग्रेनेट, अनार में आपका पाया जाता है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि पोम कहाँ पाया जाता है भैया, तो कुकुरबिटेसी में, कुकुरबिट्स जितने भी होते, सॉरी कुकुरबिट्स में तो पेपो पाया जाता है, पोम जो है एप्पल वगैरह ये सब हमारे जो होते हैं इन सब में पाया जाता है, इनके फल का प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेपो जो है ये किसका फल प्रकार होता है, तो क्यूकरबिट्स में जो है आपका पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखकर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पूछा जाता है द हाइब्रिड मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फांसो इज, है ना, नीलम एंड अल्फांसो के क्रॉस से जो है क्या बनाया गया है, नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से जो है क्या बनाया गया। बिल्कुल बलोस्टा जो है अनार में होता है, सही बात है अवंतिका, एजी एस्पिरेंट सही बता रहे बाबू, ठीक है। पोम जो है एप्पल में होता है, पियर में है ना, तो ये सब हमारे होते हैं। पेप अगर पेपो की बात करोगे तो ये हमारे जो है आपका कुकुरबिटेसी जो फैमिली होती है उससे जो बिलोंग करते हैं उसको हम लोग पेपो फ्रूट टाइप कहते हैं, कुकुरबिटेसी का जो भी एग्जाम्पल हो सकता है आपका, ठीक है। तो फटाफट बताइए आंसर अब क्या होगा, द हाइब्रिड मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फांसो इज, NAR, ठीक है ना, नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से कौन सी वेराइटी बनी है, रत्ना, बिल्कुल। तो कोई बच्चा यहाँ पे रत्ना के अलावा अम्रपाली भी कोई बच्चे चूज कर रहे हैं, तो भैया अभी आपको पता है अभी नीलम और दशहरी के क्रॉस से जो है आपको अभी अम्रपाली ऊपर ही आपने दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाया था, फिर आप यहाँ पे नीलम और अल्फांसो क्रॉस से भी अगर दशहरी बनाओगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी काम। यहाँ पे आंसर क्या होगा, NAR, रत्ना, नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से जो है बच्चों आंसर रत्ना हो जाएगा, बिल्कुल सी को लॉक किया जाए। लुल्लू पंजू ने भी सही बता दिया, चलो सभी लोग लगभग सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर दिया जाए, ठीक है। इसी तरह से बाद में आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, आंसर है येलो कलर इन टर्मेरिक इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हल्दी में पीला रंग जो होता है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको जो है हल्दी का पीला रंग किसके कारण होगा, ठीक है, पीला रंग ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन में दिया है बोरोन, क्यूरक्यूमिन, आयरन और कोमोप्लास्टिड, ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी फटाफट, ठीक है। बस कुछ ही क्वेश्चंस और रह गए फिर जो हम लोग का हॉर्टिकल्चर की PYQ का जो है खात्मा हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट बताइए क्या होगा, किसके कारण से जो है आपका हल्दी का पीला रंग लगता है, या किसके कारण से आपके हल्दी में जो है पीला रंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर BDC क्या है आंसर बता रहे, सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देते हैं, क्यूरक्यूमिन को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट है ओलेरिकल्चर इज रिलेटेड टू, ये तो वेजिटेबल्स है, ब्राउनिंग सिम्टम इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन, मॉलिब्डेनम की कमी से आपका व्हीप टेल होता है, क्या होता है बाबू, व्हीप टेल होता है। नाइट्रोजन की कमी से आपकी बटनिंग होती है, नाइट्रोजन की कमी से आपकी बटनिंग हो जाता है, बटनिंग है ना, बटनिंग नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से। चलिए अगला हम लोगों को क्वेश्चन इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है पूसा नन्हा इज अ वेराइटी ऑफ, बहुत ही हलवा का सुपर हलवा क्वेश्चन बोल सकते हो इसको, ठीक है। पूसा नन्हा इज अ वेराइटी ऑफ, ये जो है आपके पपीता की वेराइटी कई दफा एग्जाम से पूछे गए हैं, ये हमारा सी ऑप्शन नंबर सी पपीता की वेराइटी है पूसा नन्हा, जो कि मुख्य रूप से किस चीज के लिए होता है, आपका ड्वार्फ वेराइटी है, बॉनी किस्म है, तो यह मुख्य रूप से आपका किस चीज के लिए यूज होगा, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, तो यहां तक जो है बच्चों लगभग आप लोगों का सभी ने सही बताया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपका जो है ये सेशन हमारा जो है आपका समाप्त हो गया है, ठीक है, यानी कि हॉर्टिकल्चर की जो PYQ हम लोग 4-5 लेक्चर से कर रहे थे वो PYQ की श्रृंखला जो है आज आप लोगों का एंड हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों का नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक आपका कल शुरू करेंगे, तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है किस तरह से हम लोगों का आगे प्लान किया जाएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के भी PYQ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा जो है कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के बाद जो आज की क्लास जो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट नए चैप्टर्स के साथ फिर हम लोग की मुलाकात होगी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की जो क्लासेस हैं, हाँ योद्धा बैच में भी क्लासेस आपकी रहेंगी बाबू, ठीक है, इसके बाद अभी आप लोग का शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग खूब पढ़िए, मस्त रहिए, धन्यवाद।